गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ग्रेविटेशन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसके अंदर अपने लास्ट में अपने ने पढ़ा था मास एंड वेट। आपको मैंने इसके अंदर दोनों के अंदर क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। मैंने क्या बताया था कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, यानी जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको अपने क्या बोलते थे, उसका मास बोलते थे। यानी हमारी बॉडी के अंदर जैसे अगर मान लो हमारा मास 50 kg है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, मास के नाम से जानेंगे। तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। जबकि वेट का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, वो फोर्स जिससे अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी वो फोर्स जिससे अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसको अपने क्या बोलते थे, वेट के नाम से। उस फोर्स को अपने क्या बोलते थे, वेट के नाम से जानते थे। यानी फोर्स और वेट क्या होते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो अपने फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एम इनटू ए। इस चैप्टर के अंदर हम यूज करते हैं एम की जगह जी। तो अपने एफ इक्वल टू एम इनटू जी, और फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इनटू जी। यानी वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एम इनटू जी। और अपने को पता है जो जी का मीन होता है एसिमिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के ऊपर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है, स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है। इसी कारण से अगर जीरो होती है, अगर किसी का मास 1000 न्यूटन भी है, एजी भी है, लेकिन वहाँ पर जी क्या होती है, जीरो होती है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मास है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको अपने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको अपने स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इस तरह से मैंने आपको जो कहा था बहुत सारी चीज़ें वो बताई। अब जो अपना टॉपिक है वो अपने को प्रूव कर रहे हैं कि जब अपने मून पे जाते हैं तो मून पे जाकर हमारा वेट है अर्थ का क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 1/6 ऑन द मून ऑफ द अर्थ। यानी जो अर्थ जब अपने मून पे जाते हैं तो जितना भी वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे होता है उससे क्या होता है, वो 1/6 हो जाता है। यानी जैसे अगर यहाँ पर अगर वेट है किसी का 6 न्यूटन है तो वहाँ पर जाकर वो वेट कितना हो जाता है, 1 न्यूटन का हो जाता है। इसको अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने आपको एक बार टॉपिक दी थी कि मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अगर हमारा मास यहाँ पर 50 kg है तो अगर अपने स्पेस में जाते हैं चाहे अपने मून पे जाते हैं, हमारा मास हमेशा क्या रहेगा, 50 kg ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, वेट है वो क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए वेट को ही अपने को प्रूव करना है कि वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर जाकर क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो अपने लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है अपने ले लिया स्मॉल एम। मास ऑफ मून, मून का मास हम लेते हैं क्या,
यहाँ पर भी ये सारे के सारे क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ये फिजिक्स है, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, अपने क्या करते हैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड को अलग डिवाइड कर देते हैं, राइट साइड को अलग, लेफ्ट साइड के अंदर डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू टी, इधर राइट साइड के अंदर जी कैपिटल एम स्मॉल एम मार्क का स्क्वायर डिवाइड बाई अपने क्या करते हैं डब्ल्यू एम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो क्या आएगा वन अपॉन डब्ल्यू टी, पता है नहीं अगर डिवाइड का निशान लगाते हैं मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं जो बाद वाला होता है उसको अपना क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उसको क्या करते हैं ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को क्या करते हैं ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो इसमें ऊपर तो नीचे तो कुछ है नहीं तो यानी नीचे इसका मतलब क्या होगा वन ही होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर इनटू में 16 आर का स्क्वायर जी 100 एम स्मॉल एम जी से जी कट गया कैपिटल एम से कैपिटल एम स्मॉल एम से स्मॉल एम कैपिटल आर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अपने पास बच गया डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई अपॉन में 16 अपॉन 100, 16 6 से क्या होता है 96 होता है, 16 का टेबल आता होगा आपको 16 6 होता है 96, तो लगभग कितना आ जाता है अगर हमने डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई करेंगे तो क्या आ जाएगा लगभग 1/6.25 हो जाएगा, तो इसको अपने क्या लिखते हैं 1/6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.50 से कम है तो अपने क्या लिखते हैं सिर्फ 6 यूज करेंगे, अगर 0.50 या उससे ऊपर होता तो इसको अपने क्या लिखते हैं वैल्यू को 7 कर लेते हैं, मैथ्स के लिए करते ही हो तो डब्ल्यू एम क्या हो जाएगा डब्ल्यू ई जो किसके यानी इक्वल नहीं है यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया प्रेशर का मतलब क्या होता है लास्ट ईयर आपने पढ़ा
जो फोर्स है सेंटीग्रेड एंगल पर इस यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब हमेशा अपन कर सकते हैं वो 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि यूनिट नंबर अपने मैथ्स में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है 1 मीटर। तो जो फोर्स है यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो अपने पिन लेते हैं, एक मान लो अपने अपना ये थंब है, इस थंब से अगर मान लो मैं इसको जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसे अगर कोई कार्डबोर्ड होता मैं इसको दबाने की कोशिश करती हूँ तो ये कभी भी दबता नहीं। लेकिन अगर मैं एक ड्राइंग पिन ले लूँ, अपने ड्राइंग पिन से चार्ट पेपर से अपने यहाँ पे लगाते हैं, अपने डिस्प्ले बोर्ड वगैरह में लगाते हैं, तो अगर मैं डिस्प्ले बोर्ड को अपने हाथों के अंगूठे से अगर अपने दबाते हैं क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड दबता नहीं है। लेकिन जब अपने ड्राइंग पिन है उसके ऊपर अपने सेम यूनिट फोर्स लगाते हैं अपने थंब का, तो वो क्या हो जाती है, ड्राइंग पिन क्या होती है उस कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जब अपनी अपना थंब है कार्डबोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं तो जो कार्डबोर्ड है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस कारण से क्या होता है कि वो नीचे की साइड नहीं जाता, मतलब अंदर की साइड नहीं जाता। लेकिन जब अपने ड्राइंग पिन पे कराते हैं तो ड्राइंग पिन बिल्कुल छोटी सी होती है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब उसका एरिया कम हो जाता है तो इस कारण से क्या होता है कि इसके ऊपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा काम करता है। इसको ऐसे भी समझ लो जैसे प्रेशर निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी क्या होती है, कम होती है। यानी अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम करोगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो वो क्या होती है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। तो अगर एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। देखो मैंने क्या कहा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। जब अपने थंब का फोर्स है कार्डबोर्ड पे लगा रहे थे तो कार्डबोर्ड के साथ कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा था थंब का, तो यानी एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब उसने ड्राइंग पिन की, ड्राइंग पिन के ऊपर लगा रहे थे तो उसका सरफेस एरिया क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस डस्टर से समझो, ये डस्टर अगर मैंने इसको इस तरह से रख दिया अपने हाथों पर तो इसका मेरे हाथों के साथ कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ, और देखो डस्टर वही है लेकिन अब डस्टर का सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट मेरे हाथों के कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, कम है। कॉन्टैक्ट एरिया कम होती है हाथों पर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैं समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल बैग को देखो, स्कूल बैग जो आप पीछे पिट्ठू बैग टांग के लेके आते हो उसकी बात कर रही हूँ। अगर अपने देखते हैं कि जो अपने पीठ पे अपने बैग टांगते हैं उसकी स्ट्रैप्स देखना, स्लिप्स देखना, वो क्या होती है, बड़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं। उसका रीज़न ये कहता है कि जब उसने उसको अपने दोनों कंधों पर टांग लेते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाता है, हमारे शोल्डर के साथ बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ते ही प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वो स्टेप थिन होती तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या रहता है, हमारे स्टेप शोल्डर के साथ कम रहता, जिसके कारण से प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता और हमारे शोल्डर्स के अंदर क्या हो जाता, पेन हो जाता। अब मैं तुम्हारे को इसका एग्जाम्पल सीधा सा बताती हूँ। तुम लोग अपना स्कूल बैग लेके आते हो, आजकल ऐसा नहीं कहते हो, एक सिंपल बैग है, छोटे बच्चे जो लेके आते हैं जिसके अंदर एक तो पीछे वाली बैग से भी टांगने वाला होता है और एक उसके अंदर एक सिंगल मतलब स्ट्रिप भी होती है। तो अगर अपने सिंगल स्ट्रिप को टांग के लेके आएंगे ना, वेट उतना ही है और बस एक जो अपना बैग है उसके अंदर मास उतना ही है। लेकिन जब अगर अपने सिंगल स्ट्रिप को अपने एक शोल्डर से टांगेंगे तो जब एक सिंगल स्ट्रिप के टांग से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होते क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत बहुत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर अपने बैग से जो दोनों स्ट्रिप था उसको अगर अपने कंधे के साथ टांग के लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है। तुम लोग अपने तुम्हारे घर पे सबके घर पे सोफ़ा है, सोफे के ऊपर अगर अपने लेटते हैं या अगर अगर हमने खड़े होते हैं, देखो लेटते हैं तो सोफ़ा दबता नहीं है, लेकिन जब अपने खड़े होते हैं तो सोफ़ा क्या लगता है, बड़ा दब जाता है। इसका रीज़न भी ये है कि देखो अपनी बॉडी का मास तो उतना ही है, लेकिन जब अपने लेटते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होते क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, जिसके कारण से अपना सोफा है वो कम दबता है। लेकिन जब अपने खड़े हो जाते हैं, इस तरह से खड़े हो जाते हैं, जब अपने इस तरह से खड़े हो गए तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया, कम हो गया,
असर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक ही अपना जमीन पे होता है, दोनों पैरों को हवा में उठा के नहीं जा सकते, यूँ भी नहीं है कि दोनों पैरों को यूँ रगड़ के चलो, वैसा भी पॉसिबल नहीं है। तो जब अपने चलते हैं तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब अपने खड़े होते हैं तो कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि दोनों पैरों में खड़े हो कॉन्टैक्ट एरिया यूँ खड़े हो जाते हो कि एक पैर पर नहीं होते ना, तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होती है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा तुम लोगों ने देखा होगा कि अपने घरों में तुम्हारी मम्मा मशीन चलाती है, कपड़े सिलती है, तो मशीन की अगर मीटर टूट जाती है, सुई टूट जाती है, तो सुई को रिप्लेस कर देते हैं, यूँ नहीं कि टूटी सुई से तुम्हारी मम्मी कपड़े सिलती रहती है, क्योंकि जब नीडल है मतलब बिल्कुल सही होती है तो उसका बिल्कुल तीखी होती है, तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, कम होता है कपड़े के साथ, जिसके कारण से प्रेशर क्या बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण से कपड़े क्या हो जाते हैं, आसानी से स्टिच हो जाते हैं। अगर नीडल के आगे वाला पार्ट टूट जाए तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से कपड़े स्टिच करना पॉसिबल नहीं होता। चाकू देखते हैं अपने घरों में, तीखे चाकू से अगर अपने सब्जी कट करते हैं तो बड़ी जल्दी कट हो जाती है, अगर ब्लंट नाइफ होता है, मोटा चाकू होता है, तो उससे सब्जी कटती नहीं है, क्योंकि अगर शार्प नाइफ है तो उसका कॉन्टैक्ट एरिया वेजिटेबल के साथ ज़्यादा कम होता है, कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वेजिटेबल्स आसानी से क्या होती हैं, कट हो जाती हैं। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट एरिया जैसे ब्लंट नाइफ है, तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से वेजिटेबल्स अच्छी तरह से कटती नहीं है। उसके बाद अपने चलते हैं कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो आप हमेशा फ्लैट पहनना पसंद करते हैं, जींस नहीं पहनते हैं, स्पेशली पेंसिल हील की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर अपने फ्लैट पहनते हैं, फ्लैट हील पहनने के कारण से कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, हमारा ग्राउंड के साथ ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होते ही प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर अपने हील पहनते हैं जैसे स्पेशली पेंसिल हील लड़कियाँ पहनते हैं कभी किसी फंक्शन में, देखो उसका आगे वाला अपना हिस्सा है पैर उंगलियों का वो, और एक पीछे अपना एडी वाला हिस्सा है, वही क्या करता है ग्राउंड को टच करता है, बीच में से अपना पैर है उसको ऊपर उठ जाता है, हील पहन के देखिए ना, तो इस कारण से कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाता है, ग्राउंड के साथ कम हो जाता है, प्रोटेक्ट एरिया कम हो जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया कम होते ही क्या हो जाता है, प्रेशर वो ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा लगते ही लोगों की आती है थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक एग्जाम्पल और, अगर कोई खेत है जहाँ पर खूब पानी पड़ा है तो वहाँ पर अगर तुम लोग बाइक चलाना चाहो तो पॉसिबल नहीं है कि बाइक चला, क्योंकि बाइक के टायर्स क्या होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होने के कारण से प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से क्या होता है कि बाइक के टायर खेतों के अंदर धंस जाते हैं। लेकिन अपने देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैक्टर आराम से चलते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के टायर्स देखो, ट्रैक्टर के टायर्स कितने छोटे छोटे होते हैं, तो ट्रैक्टर के टायर छोटे छोटे होने के कारण से क्या होता है कि कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल्स हैं जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को, प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने बताया तो क्या बोला, एक मैंने थ्रस्ट पर लिखा था, तो जो फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर काम करता है, यानी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, यानी जो फोर्स है 90 डिग्री के एंगल पर काम करता है, उसी फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। प्रेशर की दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है, द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, यानी थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस नोन एज प्रेशर। तो अपने क्या होगा, फोर्स और थ्रस्ट एक ही बात है, तो फोर्स के अपने क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। फोर्स की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन, पढ़िए लास्ट चैप्टर के अंदर आपने, एरिया क्या होता है, ये न्यूटन का स्क्वायर, वॉल्यूम होता तो क्यूब हो जाता है मीटर का, एरिया तो मीटर का स्क्वायर,
गैस टूट कर ऊपर आ जाता है। कोई भी अगर मान लो नीचे भी छोड़ोगे तो प्लास्टिक का मान क्या हो जाएगा, ऊपर टूट कर आ जाएगा। तो इसका रीजन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने लिक्विड के अंदर रखते हैं तो लिक्विड क्या करता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड फोर्स लगाता है उस फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी जो लिक्विड है हर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर समझ करो वाओ तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उस फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स होते हैं। और जो लिक्विड की टेंडेंसी होती है फोर्स लगाने की, इस टेंडेंसी को अपने क्या बोलते हैं, टेंडेंसी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था प्रकृति आदत, लेकिन यहाँ पर अपने आदत हैबिट नहीं वर्ड यूज करते, अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, टेंडेंसी वर्ड यूज करते हैं। तो जो टेंडेंसी होती है लिक्विड के अंदर कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उस टेंडेंसी को अपने क्या बोलते हैं, बायोन्सी के नाम से जानते हैं। और जो फोर्स लगाता है लिक्विड उसको अपने बायोन फोर्स या अपने क्या बोलते हैं, अपलस के नाम से भी जानते हैं। जितना ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो जाएगा लिक्विड के अंदर उसके ऊपर बायोन फोर्स भी क्या होता है, उतना ही ज़्यादा काम करता है। जैसे अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 150 ग्राम एयर के अंदर, ठीक है, अपने वाटर ले लिया, अब अपने क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर थोड़ा समर्ज करते हैं, समर्ज करते हैं हल्का से इसको समर्ज करते हैं, तो इसका मास होता है 150 ग्राम। फिर इसको अपने क्या करते हैं आधा पानी के अंदर कर देते हैं, वादा कर देते हैं, तो इसका मास होता है 130 ग्राम। और अगर अपने इसको पूरा का पूरा वाटर के अंदर समर्ज कर देते हैं तो इसका मास कितना आ जाता है, 120 ग्राम हो जाता है। अब इसके बाद इसका मास कम नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर कम नहीं होगा, इसका वेट कितना रहता है 120 ग्राम हो जाता है। अब इसके ऊपर मतलब इससे कम नहीं होगा क्योंकि एक बार जब कम्प्लीटली समर्ज हो जाता है तो इसके ऊपर मैक्सिमम वाटर फोर्स का काम चढ़ जाता है। यानी कोई भी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है तो उसके अंदर समर्ज किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपर डायरेक्शन के अंदर से लिक्विड एक फोर्स लगाता है, इसके कारण से वो ऑब्जेक्ट अपने को कैसा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। इसको आज करके देख लेना, अगर आपके अंडरग्राउंड टैंक है अपनी मम्मा को पास खड़ा कर लेना, अंडरग्राउंड टैंक के अंदर से अंदर में पानी है बाल्टी से निकालते हैं, जब तक तुम्हारी पानी की बाल्टी है अंडरग्राउंड टैंक के अंदर पानी के अंदर डूबी रहेगी तब तक वो बड़ी हल्की महसूस होगी, और जैसे ही वो हवा में आएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वो भारी हो जाएगी। यानी हर लिक्विड के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स के नाम से